جي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. ये माशा लंबी हदीस है और इस हदीस को इस जैसी हदीस को हदीसी कुदसी कहते हैं कुदस का मतलब है बुलंदी सफ़ाई बाला तरी और तकदीस का मतलब अहतराम बहुत ज़्यादा अहतराम वाली बात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसें काबिल एहतराम हैं और मुसलमानों के लिए वाजिब तामील हैं लेकिन कुछ अहादीस की नस्बत बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ होती है तो उन्हें असलाहत अदीस खुद सी कहते हैं कि जब अल्लाह ताला बराह रास्त तो अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं मफहूम अल्लाह ताला की तरफ से होता है तो आम हादीस में है लेकिन आम हदीस में नस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी तरफ़ होती है और हदीस कदसी में नस्बत अल्लाह ताला की तरफ होती है कि ए मेरे बंदो ठीक है जिस तरह है ना कुरान में हदीस में है कि नबी सुल ने फरमाया कि अल्लाह तरमाया वना अज्जी भी रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूँ जहाँ पर नस्बत अल्लाह ताला की तरफ तो अल्लाह ताला, ताला अपने बंदों से ख़िताब फरमाता है ख़ीमा यरवी अनिल्ला आज वजल ये रिवायत अल्लाह ताला से अल्लाह ताला से है काल के अल्लाह ताला ने फरमाया या इबादी ए मेरे बंदो नबी सल्लम तो ये नहीं कह सकते कि ए मेरे बंदो नबी सल्लम के तो हम उम्मती है और उनकी इतात हमारे ऊपर वाजिब है लाजिम है फ़र्ज़ है लेकिन इंसान जो है वो हम उनके बंदे नहीं हैं हम बंदे अल्लाह ताला के हैं ठीक है बंदगी अल्लाह ताला की होती है ए मेरे बंदो इन्नी हर्रम तो मा अलानफसी मैंने जुल्म अपने ऊपर हराम किया है मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम किया है देखिए अल्लाह ताला पर तो कोई पाबंदी लगाने वाला तो नहीं है कोई अल्लाह ताला से अपनी बात मनवा तो नहीं सकता कोई अल्लाह ताला के लिए कोई पाबंदी कोई क्या कहते हैं कोई कानून तो नहीं बना सकता कोई जाबता तो नहीं बना सकता कि उसको जबे का पाबंद बनाया जाए अल्लाह ताला ने खुद अपने ऊपर को हराम करार दिया है खुद अल्लाह ताला ने अपनी तरफ़ से और एक हदीस जो शायद पहले भी बयान हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला के यहाँ गए थे यानी जब वो मेराज पे गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त जिब्रील अलैहि ने एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला इस वक्त क्या करते हैं तो जिब्रील अलैहि सल्लम फरमाए नमाज़ पढ़ते हैं नमाज़ पढ़ते है। तो नबी सुन फरमाए अल्लाह ताला कैसे नमाज़ पढ़ते तो सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की नमाज़ ये है कि वो ये जुमला बार बार दोहराते हैं कि सबक़त रहमती गजबी तो ये गोया कि जिस तरह बंदों के ऊपर अल्लाह ताला, ताला ने नमाज़ फ़र्ज की है तो अल्लाह ताला, ताला, ताला ने ख़ुद अपने ऊपर एक और चीज़ फर्ज की है कि मैं बार बार ये कलमा दोहराऊँ और अल्लाह ताला दोहराता ताला 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 है कि सबक़त रहमती गजबी मेरी रहमत मेरे गज़ब से आगे है तो देखे ना अगर ख़ुद अल्लाह ताला ये तेना करते ये ना फरमाते तो आप अंदाज़ा लगाए इसको ज़रा सोचें यानी ये सिर्फ तक़रीरों की बात नहीं है इतनी बड़ी क़वत इतनी बड़ी हमतों के साथ ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का एहसान है हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतनी इतनी बतिल लाम तनाहीवत कन फ़ैक बस हो जा तो हो जाता है और किसी बात में किसी हुक्म में कोई रुकावट नहीं किसी की मजाल ने कोई रुकावट डाले पूरी कायनात चाँद तारे कह किशान क्लस्टर फलान फलान ज़मीन ये वो जबरील मलाइ इंसान मखलूक जंगल पहाड़ सब ऐसे हैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है कोई हैसियत नहीं है किसी चीज़ की जब वो कहे कि इस तरह हो जा तो इसी तरह हो जाता है किसी के मजाल नहीं है कि उसके हुक्म सरता भी कर दे तो अगर वो म पर आ जाए अगर वो म पर आ जाए तो कौन रोकने वाला है इंसानों को पैदा भी करे और उनको उनके ऊपर भी करे तो कौन रोक सकता है लेकिन किसी के कहने के बगैर किसी के मुतालबे के बगैर किसी की फरियाद के बगैर और किसी के एतराज़ और सवाल के बग़ैर कोई एतराज़ और सवाल का हक़ ही नहीं रखता इन सब बातों के बग़ैर ख़ुद रब्बुल रब्बालमीन ये फरमाता है कि सबक़त रहमती गज़बी मेरी रहमत मेरे ग़ब के ऊपर गालिब है ठीक है और अपना नाम जो रखा है अल्लाह लफ् अल्लाह के बाद जो रखा है जो मशहूर सबसे ज़्यादा ज़बान पर आने वाला नाम है वो रमान रमान तो इसका मतलब यह है कि उसकी रहमत इसी तरह अंधी रहमत भी नहीं है उसका अदल भी है उसकी हमत भी है उसका इरादा भी है उसकी मशीयत भी है वो अदल भी करने वाला है वो बुराई का बदला भी देने वाला है वो नेकी का अजर भी देने वाला है वो इस तरह देखे ना वो ये आदल भी अजीब ये अदल अदल की बात भी अजीब है ना एक आदमी पिछले साल दो साल की बात है स्वात में कोई लड़का था उसकी शादी हुई थी और मेरे ख़्याल में शादी के कई दिनों बाद यानी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ उसने अपनी बीवी को मार डाला तो वो उससे किसी ने इंटरव्यू लिया कि ये तुमने किया क्या तो उसने कहा कि काम तो मैंने गलत किया तो कहते तुम चाहते क्यों कहते हैं तो मैं इंसाफ़ चाहता हूँ इंसाफ चाहता हूँ भाई तुम इंसाफ़ चाहते हो तो इंसाफ ये है कि तुम्हारा सर को कलम कर दिया जाए तो लेकिन वो इंसाफ़ किसको कहता है मुझे माफ़ किया जाए वो इंसाफ़ इसको कहता है कि मुझे क्या किया जाए यूरोप का तस्वुर ये है कि जिसने जुर्म किया ना उस मुजरिम के साथ आप हमदर्दी रखें भाई अल्लाह का के बंदो जिस मुजरिम ने जुर्म किया है जिसने जिस, जिस कि किसी का घर उजाड़ दिया है जिसका मतलब जिनकी जिंदगी उसने तबाह की है ठीक है जिसका खानदान उसने तबाह किया है उनके उनके लिए तुम्हारे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है हमदर्दी का मुस्तक वो है जिसने जुल्म किया है या हमदर्दी का पहले मुस्तक है जिसके ऊपर म हुआ है कहते हैं जी तो नहीं ये तो इमोशनल हो गया था ये तो हलान हो गया था ये तो हलान हो गया था तो हो गया था तो अपने अपने से बदला क्यों नहीं लिया कि दूसरे से दूसरे के ऊपर म किया ख़ुद अपने ऊपर म करता पिस्टोल लेकर अपने गोली अपने दिमाग अपने सर पर गोली चलाता दूसरे तो दूसरे चलाई ये कोई अच्छा फिर इंसाफ़ किस चीज़ का नाम है हमारे देखिए ना आप, ये अगर आप मुजरिम को इंसाफ़ का इख्तियार दे दें तो मुजरिम तो यही चाहेगा कि मुझे मजीद मौका दे दो समझ में आती है बात और मुझे बस बरी कर दो तो अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाला है इंसाफ़ करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के सामने तो ये और वो ये भी उसका बन रहा है और ये भी उसका बन रहा है ये अदल चाहता है तो वो भी तो अदल चाहता है ना क़ियामत के दिन हदीस में ये बात आती है कि कि़यामत क़ायम होगी तो जिसने किसी को ना हक के कत्ल किया है ना वो कातिल को गरेबान से पकड़ेंगे इसी तरह कातिल को गरेबान से पकड़ेंगे और अल्लाह ताली से दोहाई मुतालबा करेंगे सवाल करेंगे दरख्वास्त करेंगे अल्लाह इससे पूछो इसने मुझे क्यों कत्ल किया इससे पूछो इसने मुझे क्यों कत्ल किया तो अल्लाह ताला ने इंसाफ सिर्फ़ इसको नहीं देना है उसको भी इंसाफ़ देना है इसलिए अल्लाह इंसाफ इसी तरह है कि सिर्फ एक को नहीं जिस तरह लोग सिर्फ एक ही तबके को खुश रखते हैं ना और दूसरे हमारा हमेशा इंसानों में ये होता है बग़ अम्बा न हम का तर्जुमा बार बार आपके सामने आ गया है बग़े अम्बा रूम लोगों ने इस्लाम को क्यों छोड़ा व मख्तलफल्लाधीन ऊतूह अबाद माजा ब़ैम बन ब़ैम बन का मतलब ये है कि अल्लाह ने इंसानों को जो हकूक़ दिए थे ना कुछ लोग इस पर राज़ी नहीं थे कहते मुझे इससे ज़्यादा चाहिए तुम कहते हो कि मेरे मेरी जान और तुम्हारी जान की कीमत बराबर है नहीं मैं तो बड़ी चीज़ हूँ उसके मुकाबले में तो मेरा खानदान बड़ा है इसके मुकाबले में तो मेरा मेरी स्टेटस बहुत बड़ी है मेरे मेरी हैसियत बहुत ज़्यादा है मेरा फ़लान ज़्यादा है मेरा तो मैं तो उसके बराबर नहीं हूँ तो ये लोग थे जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा जिसों तो इस्लाम से बगावत की इसीलिए बगावत की कि इस्लाम इनको जो, जो कुछ देना चाहता था वो उस पर राज़ी नहीं थे उससे ज़्यादा लेना चाहते थे उससे बढ़कर अपने लिए अपने आप को आम इंसानों से बढ़कर कोई चीज़ समझते थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं मेरे बंदे तुम भी हो और ये भी है ना हज़रत उमर रजी अल्लाह ने उस शख्स को कहा ना जबिल्ला को जबिल्ला कोई नवाब था जब बिल्ला बिल अहम ठीक है तो वो नवाब था इलाके का फिर मुसलमान हुआ और हरम में आ, उसका कपड़ा किसी आदमी के आम आदमी के पांव तले आ गया तो उसने उसको थप्पड़ रसीद की तो उसने जब तप तपड़ रसीद की तो वो आदमी आया उसने उसने अ, क्या किया उसने हज़रत उमर रजनहु उसे पूछा कि इस आदमी ने तो मुझे तप्पड़ रसीद किया मुझे थप्पड़ मारा इससे पूछे मुझे तपड़ क्यों मारा तो हज़रत उमर रजीलन ने उससे पूछा उसने तो तप्पड़ क्यों मारा उसने कहा इसने मेरे कपड़े पर पाँव रखा था तो हजरत उमर हज़रतमर कहा अब एक बात है या तो तुम इसको राज़ी कर दो कि वो माफ़ कर दे तुम्हें इससे माफ़ी मांगो राजी कर दो माफ़ी मांगो और माफ़ी नहीं मांगते हो तो जिस तरह तप्पड़ तुमने जिसको दिया था ना ये तुम्हें उसने कहा अच्छा मैं बड़ा नवाब हूँ इतना बड़ा जागीरदार और इतनी बड़ी और इतनी बड़ा ओहदा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें और नवाबी और सरदारी और ये चीज़ें छोड़कर मैं इस्लाम में आ गया हूँ तो अब इस्लाम उधर मेरी इतनी बड़ी इज्जत थी तो मुझे तो ये कहा जा रहा था कि इस्लाम में तुम्हारी बड़ी इज्जत होगी तो ये इज़्ज़त है कि एक आम आदमी मुझे थप्पड़ मारेगा तो हज़रत उमर ने जो जुमला कहा ना वो बड़ी कीमती बात वो ये कि जिस तरह इस्लाम तुम्हें इज्जत देता है इसी तरह इस आदमी को भी इस्लाम इज्जत देता है ये भी मुसलमान हुआ है इसने भी इस्लाम को दिल में जगह दी है तो जो इस्लाम तुम्हें इज्जत देता है वो इज़्ज़त इसको भी देता है इसमें दोनों तुम बराबर हो उसने कहा अच्छा ये बात है कि यहाँ पे मुसलमान होकर फिर मैं इतनी बड़ी चीज़ हो और ये आम लोगों के मैं मैं बसा भी हो गया हूँ कहते हाँ कहते मुझे सोचने दो बस कल तक मैं जवाब दे दूँगा हज़र तो मैंने कहा ठीक है सोचो तो रात वो रात वो भाग गया भाग गया और फिर रूम ही उनके पास पहुँच गया ठीक है और रूम के पास पहुँचा तो उन्होंने उसमें कहा कि बस मैं मैं गलती हो गई थी और मैं मुसलमान हुआ था लेकिन वहाँ पर कोई इज़्ज़त वजत नहीं है इंसान को उसने तो इतना देखो उसने फिर उसको अपने नवाबी पर बरकरार रखा और फिर उसको मजीद भी कुछ मरात दी बाद में कोई एक सहाबी वहाँ पर गया था और उसने वहाँ पर कुछ अशहार उसने पढ़े उसके सामने गालिबा वो किताबों में क्या अरबी अदब की किताबों में है तनसरतल अशरॉफ मिन अजल लतम वमा खा नफ़ी हालासबरतलह ज़र्र कि मैं बड़ा शरीफ आदमी था और मैं फिर ईसाई बन गया और एक थप्पड़ की बात थी काश मैं उस थप्पड़ को बर्दाश्त करता और इस्लाम को न छोड़ता व माँ का नफी है अलसबर तो लाहा मैं सब्र करता तो एक थप्पड़ दिया माफ़ी मांगता या वो थप्पड़ दे देता लेकिन इस्लाम को न छोड़ता इसलिए इस्लाम को छोड़ना मैंने बहुत बड़ा बड़ी गलती की अब छोड़ दो अब ईसाइयत को फिर छोड़ दो फिर इस्लाम में आ जाओ लेकिन बहरहाल ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम। ये बहुत बड़ी बात है तो इस्लाम ने तो अल्लाह ताला ने जुलम अपने ऊपर हराम करार दिया है ख़ुद अपने ऊपर और दुनिया के अंदर जो रहमत अल्लाह ताला ने भेजी है जिसकी बुनियाद पर एक जानवर भी अपने बच्चे से अपना खुर उठा ले, लेता है ठीक है ना आज एक वीडियो आ गई है आपने पर, देखी होगी कि उसमें तुर्किया में शाम में दो बच्चियां हैं वो मलबे तले दबी हुई हैं एक दस साल की बच्ची है एक उससे छोटी उसकी बहन है और सत्रह घंटे वो बड़ी बच्ची जो है अपनी छोटी बच्ची के सर को अपने गोद में लिए हुए हैं कि मेरे ऊपर जो कुछ आए तो आए लेकिन मेरी लेकिन ये ये चीज़ रहम तो ये तो एक हिस्सा रहम का जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के इंसानों पर तकसीम किया है अब नन्नवे हिस्से रहम के अल्लाह ताला ने अपने पास रखे हैं वो क़्यामत के दिन लोगों में तकसीम करेंगे तो बहुत बड़ी बात तो बहरहाल ये एक जिन बुनियादी चीज़ है कि मैंने ुलम अपने ऊपर मैं या ला ऐला ज़र्रा ये ज़र्रे की बात एक दफ़ा पहले भी हुई थी कि अल्लाह तर्रा बराबर अब आप बताएँ जर्र बराबर या है मैं भी जर्र बराबर एक इंतहाई महब्बत करने वाली माँ भी अपने इंतहाई प्यारे बच्चे के ऊपर म कर सकती है जर्रा बराबर अंदाज़ा लगाए ना जर्रे का हमें एहसास हो सकता है कि मैं कि वो क्या है तो जर्र बराबर लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं यानी ये माँ कर सकती है बाप कर सकता है हद से हद दर जा रहा दिल इंसान भी कैसा कर सकता है कि उससे जर्रा बराबर जुल्म हो जाए? वो कसम नहीं कह सकता कि मैं मैं ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं कर सकता या मुझसे जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा इंसान नहीं कसम कह सकता लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं नहीं करता ला ओ मसकॉल वमा रब कभी अभी तुम्हारा रब ऐसा है नहीं जो करे बन ये तो इंसान खुद अपने ऊपर ठा है जो कुछ इंसान ने किया है उसी का उसी का नतीजा वो भुगतेगा मैंने इस पर कोई म नहीं किया है ठीक है ये पहली बात इसके अंदर एक दूसरी बात भी है कभी कभी हम उसमें आ जाते हैं ना किसी से खफा हो जाते हैं किसी के लम को हम बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि समझते हैं हमारे ख्याल में ये होता है कि इसने बड़ा म किया मेरे ऊपर पता नहीं उसने ऐसा जुल्म किया कि नहीं किया या उसकी नीयत ऐसी थी या नहीं थी या वो बात इतनी थी जितनी मैंने महसूस की कि नहीं और फिर मैं कहता तो खुदा उसका तो बेड़ा गर्क कर दे या अल्लाह उसको तो ज़िंदा जला दे अल्लाह तो उसके ऊपर तंदर पंदर फिर आवाज है तो फिर हम खुदा से ऐसा मुतालबा करते हैं कि गोया कि वो मेरी बात मान ले फैसला मैंने करना है कि उसके साथ ये ये होना चाहिए और खुदा से मैं मुतालबा करता हूँ कि अल्लाह तो अब ये कितनी बुरी बात है कितनी बुरी बात है कि जिस खुदा ने अपनी ज़ात के लिए अपनी तरफ से भी अपने बंदे पर जर्रा बर्रा जुल जो हराम किया है वो मेरे लिए अपने किसी बंदे पर म कर देगा और ये मैं मुतालबा करूँ अल्लाह तू खुद अपने तौर पर तुम्हारा बंदा है तो खालक है मालिक है और ये तुम्हारी मखलूक है और तुम्हारी शान में वो गुस्ताखी कर ले तुम्हारी बेअदबी कर ले तेरी बात न माने अहमियत न दे तो तू तो उस पर म नहीं करता उसको बस उतना ही उतनी ही सज़ा देता है जितनी सज़ा उसके जुल्म की है उस पर ज़्यादती नहीं करता लेकिन मेरे लिए इस ज़्यादती को तुम कबूल कर लो मेरी वजह से कर लो तो ये कितनी बड़ी बात है कि जो हम करते हैं लेकिन लोग करते तो जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं खुद अपने ऊपर म नहीं करता अपनी तरफ़ से तो मैं दूसरे की वजह से भी किसी के ऊपर म नहीं करता ठीक है और मुझसे ये तवक्को कोई ना रखे कि मैं दूसरे के लिए किसी के पर म कर दूँगा चाहे वो जो भी हो चाहे वो अपने अगर खुदा दूसरों के लिए किसी पर म करता तो कम अज़ कम जे अलैहि वसल्लम को जब पत्थर मारे गए तो फिर तो इसी मौका पर तो आदमी न आव देखता है न ताव देखता है हैं तो फिर अपनी ताकत को अंधाधुंध इस्तेमाल कर देता है लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करीब साथी हज़रत बुबर के अलावा तीनों साथी शहीद किए गए हैं अल्लाह त गज़ब नहीं हो कि उसके लिए अपने 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 उस आदत को छोड़ दे जब नबी सर वसम का नवासा हज़रत हुसैन किस भी दर्दी के साथ और अपने बच्चों के सामने किस भी दर्दी के साथ उनके साथ क्या हुआ और कैसे अल्लाह ताला का गज़ब इस तरह नहीं बोलता ये जो, जो 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 लोग इस बात को समझते नहीं हैं वो लोग इस तरह का एतराज़ करते हैं एक ईसाई ने इतराज़ किया एक ईसाई ने इतराज़ किया अपने थे मौलाना गालिबा मौलना शबीर अहमद उस्मानी थे या दूसरे थे मैं भूल रहा हूँ हिंदुस्तान के उलमा में से एक बड़े आलिम थे तो उसके सामने एक ईसाई ने आ, कहा कि मैं शबीर अहमद उस्मानी साहब थे िबा बस मैं भूल या इसके अलावा कोई दूसरे थे तो उसके सामने एक ईसाई ने कहा कि देखो तुम कहते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है अल्लाह ताला का तो जब पैगंबर के इतने चहीते नवासे को करबला में इतना जुल्म करके शहीद हो तो खुदा देखता रहा उसने कुछ भी नहीं किया तो अब उसके लिए जवाबी तुर्की बे तुर्की चाहिए थे ना उसको उसके लिए ज़्यादा इलमी बात नहीं चाहिए थी उसने कहा नवज बिल्ला नवज बिल्ला उसको समझाने के लिए कि हाँ इससे पहले ऐसा हुआ था ना कि लोगों ने और हरमां हुसैन ने भी बुहारी दी कि अल्लाह मेरी मदद फरमाए तो नवज बिल्ला वो उसने बात ऐसी की मैं बयान नहीं कर सकता ने कहा कि अल्लाह ताला ने इससे पहले भी उसका बेटा भी फांसी पर छड़ा था तो अल्लाह ताला कुछ भी ना कर सका ईसा असलम तो अल्लाह ताली का बेटा था जब पारसी पर चढ़ा था तो अल्लाह तुश ना इसका मतलब है कि उसको समझा रहा था कि अगर ये दलील है इस बात की कि नबी वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है इसलिए कि अल्लाह ताली ने उसके नवासे को नहीं बचाया तो भी इसकी बात की भी दलील है कि ईसा साम तो अल्लाह ताली के बेटे भी नहीं हैं इसलिए कि अपने बेटे को तो कहते हैं खुदा ने कहा कि मैं अपने बेटे को न बचा सका तो फिर नवासे को कैसे अपने पैरामबर के नवासे को कैसे बचाऊँगा सब आप समझे भाई कि नहीं यानी वो क्या कहना चाहता था वो तो उसको इस तरह ऐसा जवाब देना चाहता था कि वो समझे अपनी ग़लती को कि ये इस बात की दलील नहीं है लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ऐसा नहीं करता बस उसका अपनी है, उसकी अपनी एक सुन्नत है उसकी अपनी एक सुन्नत है कि वो म का बदला देगा और उसके लिए उस अल्लाह ताली ने एक वक्त मुकर कर दिया है जिस तरह हम जज्बात में आते हैं और मुतािर होते हैं तो अल्लाह ताला की जात ऐसी है कि वो किसी से मुतासर नहीं होते तसर होना जज्बात में आना इमोशनल होना गुस्से में आ जाना और गुस्सा भड़क कर फिर अपनी क़वत इस्तेमाल करना ये कमज़ोरियाँ हैं ये की दलील नहीं है ये अदल और इंसाफ़ नहीं है अदल और इंसाफ़ ये है कि किसी से मुतासर हुए बग़ैर बिल्कुल मुद्दई और मुद्दे और वाक़ात से बालतर होते हुए सिर्फ़ इंसाफ़ को देखा जाए जब आप इस तरह इसका मतलब ये है कि आप भी वो मुताशर फरीक बन जाते हैं जब आप इस तरह इमोशनल हो जाते हैं जब इस तरह आप मुतासर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी फरीक बन जाते हैं तो जब आदमी फरीक बनता है ना तो वो फिर वदल नहीं कर सकता अदल आदमी उस वक्त कर सकता है जब वो फरीक नहीं बनता इसलिए जज को फ़रीक़ नहीं होना चाहिए जज पर जब ऐसी सूरत हाल आ जाए कि जब वो किसी मामले में फ़रीक़ बनने के का ख़तरा हो तो फिर उसके ख़िलाफ़ लिखा जाए कि मेरा मेरा केस ये ना सुने इसलिए कि ये फरीक बनता जा रहा है तो अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला वो वो इसी तरह बस वो देखता है कि किसने जुल्म किया और इस जुल्म का बदला किया है तो ये हमारे लोगों के जहनों में ये बातें आती हैं ये बातें बहुत से जहनों में आते हैं और लोग सवाल पूछते भी हैं कि देखो इतना जुलम हुआ वो पिछले कई साल आपको याद होगा कि पाँच छः साल हो गए कोई लड़का था यहाँ। मैं कभी कभी उसको देखता भी हूँ वो मेरे ख्याल में फारग हो गया है तो कहते हैं कि आसमान क्यों नहीं टूटता जलजला क्यों नहीं आता और ये क्यों नहीं होता और इमाम हुसैन शहीद हुए तो आपको याद है वो कोई नजर न तो उस वक्त भी मुझे कि क्या अजीब लेकिन हर जगह पे बात पर रन वो करना फिर हमारा नाम वैसे भी बदनाम है कहते हैं कि हर जगह पे एतराज़ करते हैं और हर बात पर इनका एतराज़ होता है तो जब इसी तरह तो इसीलिए आपको इलम होगा कि मैं कुछ ज़्यादा प्रोग्राम में शिरकत करने से भी थोड़ा सा अपने आप को बचाता हूँ इसलिए कि जब वहीं पर इस तरह की बातें होती हैं तो एक दफ़ा एक आदमी को बुलाया वो भी अब अजीब बात है चलो आपके नोटिस में तो ले आऊँ इस बात को कि अल्लाह अकबाल के नाम से एक आदमी को बुलाया मकबाल पर और उसने क्या कहा याद है आपको उसने ए, ए, उसकी माँ तो अनपढ़ थी उसका एक तो एंख आँख ज़ाय हो गई थी वो तो ये किया था उसने तो फलान था मुझे नाम भी याद है यार वो हाँ उसका कोई अब्बास अब्बास कस्म का नाम था यार अब्बास महमूद था या महमूद अब्बास था कोई अदीब था या इस तरह का कोई था मुझे तो बहुत बुरा यार इकबाल को कूसने के लिए तुम आए हो यहाँ पे ठीक है इकबाल की मतलब बेजती करने के लिए ये दिन मनाया जाता है कि आप इकबाल ऐसी शख्स के बाद उनकी माँ अनपढ़ थी लेकिन ऐसी अनपढ़ माँ पर वो हज़ारों लाखों तालीम याफ्ता माँ क़ुरबान हूँ जिसने ऐसा बेटा पाला इसका मतलब ये हुआ ना कि ये तुम्हारी तालीम कोई तालीम ही नहीं है इससे तो अनपढ़ शायद वो तुम्हारी तरह तालीम याफ़्ता होती तो इस तरह न करती ऐसे बैठक को न पाल सकती फिर ये क्यों ना कहते तालीम असल वो नहीं है जिसको तुम तालीम कहते तालीम वही है वो कुरन को जानती थी इकबाल की माँ कुरान को जानती थी वो अनपढ़ नहीं थी वो दीन को जानती थी वो अनपढ़ नहीं थी अनपढ़ वो होता है जो कुरान और सुन्नत को नहीं जानता तो ऐसी बातें करने के बजाय वो उल्टा सी उल्टी सीधे बातें अक अकबकू अंगा कर करते रहे तो लोगों के दहन में अलाम अकबाल का जो तस्वूर था ना उसने बिल्कुल वो वो कर दिया हाँ डीविल्यू कर दिया ये ये कोई तरीक़ा है बहरहाल ये बातें हैं जिमनी बातें छोड़ें इन हर्रम तो ऐल नफसी मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर दिया लेकिन वजाल तो बैन मुहर्रमा मैंने तुम्हारे दरमियान भी म को हराम कर दिया मैं खुद धी करता तो तुम्हारे ऊपर भी मैं हराम कर देता हूँ कि तुम करो कोई किसी के ऊपर म न करे हती कि जानवर पर म हती के अपने ज़ेर दस पर म छोटे बड़े पर या बड़े छोटे पर करीबी लोग दूसरे लोग जिस भी तरीके से म जो खुद नहीं बर्दाश्त कर सकते हो जो खुद समझते हो तुम्हारे साथ ऐसा मामला हो जाए तो तुम समझते हो यार ये तो बुरा हुआ तो तुम किसी दूसरे के साथ भी ना करो दूसरे को भी उस अंदाज से वज आलत बैनकुम बहर्रमन फ़ला तज़ लमू तो एक दूसरे पर म न करो गोया कि इस्लाम की तालीमात में ये बुनियादी चीज़ है इस्लामी तालीमात की बुनियाद इस बात पर है कि वो म न करेगा और न देखे ना खुदा ने कहा कि मैं म नहीं करता तो तुम भी ना करो इस्लाम कहता है कि इस्लाम कहते हैं हम जबर नहीं करते तो हम किसी को जबर करने भी नहीं देते ये बात नहीं है कि इस्लाम कहता है कि हम तो अच्छे भले लोग हैं पीर बाबा और पीरा भाई के बच्चे हैं हम तो बस हैं किसी के काम में मुदाखलत नहीं देते ये कौन सी बात हुई दुनिया में जुल्म हो रहा होगा और तुम के काम के मुदाखलत नहीं देते तो तुम पैदा किस लिए किए गए हो मतलब यही है सिर्फ ये बात नहीं है कि तुम खुद अपने ऊपर अगर ये जुल्म करना गलत है तो सिर्फ तुम्हारे लिए गलत है दूसरा करे तो खामोश आ रहे अगर म करना म है और गलत चीज़ है तो इस सिर्फ ये बात नहीं है कि तुम खुद जुल्म न करो बल्कि ये बात भी है कि तुम तो के खिलाफ डट जाओ म के खिलाफ बोलो समझ आज सारे लोगों ने गंग का रोज़ा का हुआ है ये जो तो तुर्किया में हुआ आपका क्या ख्याल है ये ये वाकई कुदरती चीज़ थी इस तरह मैं तो इसके मानने के लिए आसानी से तैयार नहीं हो सकता आसानी से तो मैं तैयार नहीं हो सकता यानी ये जो हार्प टेक्नोलॉजी है इसके बारे में कई कई मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि लोगों ने ये बातें की हैं पर उनके मुंह बंद कर दिए कर दिए गए हैं ठीक है हमारे ऊपर भी ये चीज़ें आजमाई गई हैं सैलाब और जल्जलों की सूरत में और तुर्किया में इस जलजले से एक हफ़्ता पहले एक अजीब किस्म की रंगीन किस्म के बादल दिखाई दिए गए वो बादल क्या चीज़ थे और फिर मगरब वालों ने अमेरिका वालों ने इस पर तबसरा किया कि यहाँ पे कोई मौसमी तब्दीली आने वाली है भाई तुम्हें इस पर तबसरे के क्या हक था पहले उन लोगों को छोड़े जो जिनके मुल्क में ये कुछ हुआ है कि उनके साइंसदान क्या कहते हैं इसी जलजले से आने से पहले कई रोशनियाँ देखी गई वो रोशनियाँ किस चीज़ की थी कुछ यानी यानी किस्म की रोशनियाँ थी वो रोशनियाँ की आती एन इसी तरह जिस तरह नाइन इलेवन पे हुआ ना नाइन इलेवन में टेंट टावर गिरने से पहले वहां पर धुआं देखा गया तो ये धुआं किस चीज का था अभी तक अमरीकी इसका जवाब नहीं दे चुके दे सके फिर ये जवाब कई कोई भी अमरीकी ये जवाब नहीं दे सका कि जो जहाज ऊपर वाले छतों से टकराया गया उस जहाज के अंदर कितना ईंधन था और उससे कितनी हीट पैदा हो गई फिजिक्स के कवानीन उस दिल जो है ना वो मतलब किसी ने ताला लगाया था कि फिजिक्स के कवानी दुनिया के अंदर कहीं ब, 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 किसी बकस में बंद कर दिए थे कितनी हीट पैदा हो सकती है उससे और उसके अंदर जो सरिया था वो कितना था और ऊपर के छतों से आग उधर लग गई कितना फ्यूल होगा उस जहाज के अंदर उससे कितनी हीट पैदा हुई और उस हीट के नतीजे में फिर उसकी बुनियादों के अंदर जो टनों टनों नहीं कितने सैकड़ों टनों सरिया था वो फिघल गया ये अकल मानती है ये बात और वो जो पासपोर्ट जिसका यानी टनों टनों वाला सरिया तो पिघल गया वो पासपोर्ट नहीं पिघला ये 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 लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली चीज़ें हमारे यहाँ पश्चों में कहते हैं भाई बस्तरगुर छित की नस्तर गुमारे छित नहीं हाँ ये ये मानने वाली चीज़ें नहीं है लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो इस तरह की बातें तो करें ताकि दुनिया इस तरह गुमराह तो ना हो और वजह क्या है वजह यह है कि तुर्की उनके आंखों में कटकता है अमेरिका ने चाहा कि नेटों को ज़रा एक्सटेंड किया जाए वसत दी जाए यूक्रेन तक वो नहीं मानता है उसको वो दूसरे कुछ लोग उस पर वो जो पहले कोई मुल्क था वो जो जिसने वो कुरान जलाने वाले में वो क्या है ना स्वीडन था क्या था स्वीडन, स्वीडन था।, था।, था हाँ तो वो भी नेटो में शामिल होना चाहता है तो तुर्की उसके हास्ते में रुकावट है तो अब ये चीज़ें जो है ना ये अमेरिका असल में अमेरिका कहता कि नहीं तुम्हें इस्तेमाल करके रूस का और चीन का घेराव कर लो और खाम खा दूसरे को जंग ई ईंधन का ईंधन बना दो अपने आप को बचा के, के दूसरे उसमें गर्क रहे अब देखें ना यूक्रेन को गर्क किया तो अमरीका का क्या बिगड़ा तो इन चीजों के रास्ते में वो रुकावट है तयबर्दगा तो ये चीजें लोग कैसे बर्दाश्त कर तुम कौन हो मेरे सामने बोलने वाले पूरे अमेरिका मतलब वो तो वो तो फिरौन बने हुए हैं वो तो कहते हैं मेरे सामने कोई बोलने की ज़रूरत कैसे करे तो मैं ऐसा कर लूँगा अच्छा ये भी बताएं कि चार पाँच छः दिन पहले बर्तानिया ने और अमेरिका ने अपने सफ़ीरों को वापस बुलाया क्यों कहते हैं यार तुर्की में कोई दहशत गर्दी होने वाली है तुर्की में कोई दहशत अपने सफीरों को तीन चार मुल्कों ने इसका मतलब है कि उनको पता था उनको पता था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है तो सफ़ीर अपने भेज दिए लोगों कर दिए हाँ हाँ तो पे वो है। हाँ वो जल्द दल और उसने और और जिसने जिसने ये पेशनगोई की थी उससे जरा पूछा जाए तुम कहते हैं नहीं जी ये तो सैरों की आपस में वो हरकत ऐसी होती है जो जमीन पर असरअंदाज होता है ये आए मायशाह ये कोई बच्चे हैं सारी दुनिया के लोग प्राइमरी के बच्चे हैं कोई नहीं जानते ये क्या क्या बोली बोली बूल बोली जा रही है तो कुछ लातजालमो जुलम ना करो और ज़ुलम पर ख़ामोश भी ना रहो बोलो कुछ बोलो नहीं होगा कुछ जो जो कुछ होगा वो वैसे भी होगा वैसे फिरओन और मूस इस्लाम के कस्से क्या फ़ायदा है इसका सुनाने का सुनाने का क्या फ़ायदा जब इस वक्त कोई कोई बोले ही ना सारे गुंगे बने बैठे अखरस गुँगे शैतान बने होते सारे मुसलमानों हुकुमरान बोलो यार बोलो ये क्या क्या हरकतें हो रही हैं हमारे साथ तो हाल ये तब्दीली है अल्लाह ताला रहम फरमाए ये जी, जी अभी जो साल शुरू हुआ है ना ये और उसके बाद वाले साल जो है ना ये ऐसे नहीं है ऐसे नहीं है जिंदा रहना है इज़्ज़त और एहतराम के साथ जिंदा रहेंगे वरना सिर्फ़ हम नहीं मरेंगे दूसरे भी मरेंगे और वो मर वो मौत क्या मौत होगी जो बेज़ती की मौत है मौत नहीं वैसे भी आनी है यार एक दफ़ा आएगी न सौ दफ़ा तो नहीं आएगी दो दफ़ा भी नहीं आएगी तो जब आई हैगी तो इज़्ज़त के साथ तो आए